Good morning, dear friends. This is a grand new day. The Lord has given us. Let us rejoice and be glad in it. May God's blessings and favor be upon you through this day. And it will be possible as we spend these few minutes in His presence quietly.

साइन एंड पीर आश्रेम लोड वेयर आर यू गोइंग जीजस रिप्लाइड वेर आई एम गोइंग यू कैनॉट फॉलो नाव बट यू विल फॉलो अ लेटर पिर लोड वाई कान आई फॉलो यू नाव आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर यू और शिमोन पत्रस ने उससे कहा हे hey, प्रभु तू कहाँ जाता है यीशु ने उत्तर दिया जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा पतरस ने उससे कहा हे hey प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूँगा नाओ द सेम पासज यू विल फाइंड इन द वर्ड्स ऑफ मार्क

जिसको जिसका uh, प्रकाशन हुआ नहीं अभी तक देर वॉज अ पीटर इन साइड ऑफ द साइमन पीटर अबाउट होम हिमसेल्फ डिड नॉट नो और पत्रस के अंदर एक ऐसा पत्रस था जो वो स्वयं उस समय तक नहीं जानता था एंड इट इज ट्रू ऑफ ऑल ऑफ आस और ये हम सब के लिए भी सच है इज एंड पर्सन इन ईच वन ऑफ हर एक दूसरा मनुष्य है जिसका प्रकट नहीं हुआ है हाउ आर वी गोइंग टू नो इट एंड हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कवर दिस अनोन पर्सन और इस ये जो छुपा हुआ मनुष्य हमारे अंदर है इसको हम कैसे देखेंगे कैसे पहचानेंगे यू फॉलो पीटर्स एक्सपीरियंस You will discover it. और जब आप पत्रस के घटना को देखेंगे तब आप पाएंगे Peter he was ready to die with पत्रस ने सोचा की वो ये मसीह के संग मरने के लिए भी तैयार है एंड फॉर क्राइस्ट और मसीह के लिए मरना थे रियल पीट लेकिन ये मसी वास्तव में पत्रस को अंदर से जानता एक ऐसा पत्रस अंदर छुपा हुआ था जो अब तक प्रकट नहीं हुआ था मेडिटेट विद दिस और पहली बात जो मैं मनन करना चाहता हूं वो ये है। इट fall टू सी हिमसेल्फ और पत्रस के लिए अपने आप को पहचानने के लिए एक भयंकर उसका गिरना हुआ अ लुक एट समिचुअल और देखिए वो आत्मिक ताकत जो उसके पास था फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही गेव अप ऑल टू फॉलो क्राइस्ट पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया मसीह के पीछे चलने के Now लिए that was a real, thing he did. और ये एक एक वास्तव में अच्छा काम पत्रिंग टू डू दैट क्योंकि बहुत लोग तैयार नहीं है सब कुछ छोड़ के, येशु के पीछे जाने so के लिए बाई होल्डिंग बैक सर्टन थिंग्स फ्रॉम जीसस सो यीशु मसीह से कुछ बातों को छुपा के रखने से मिस मोस्ट एवरी दैट गॉड और लोग जो है वो उन बातों को खो देते हैं जो परमिट श्वर के पास है उनके लिए सेकंडली दूसरी बात यू वॉज रेडी एंड यू रेडिली ओबेड क्राइस्ट वो तैयार था और तुरंत वो तैयार हो गया यीशु के पीछे आने उसके आज्ञाओं को मानने के लिए यू रिम्बर वन डे होल नाइट ही वॉज आउट इन द सी ट्राइंग हार्ड टू कैच सम फिश एंड एट द एंड ई कॉट नथिंग आपको याद होगा कि एक बार पतरस अपने साथियों के साथ पूरे रात्रि समुद्र में वो परिश्रम किया मछलियों को पकड़ने के लिए लेकिन वो असफल रहा But in the as he at the shore, लेकिन सुबह सुबह जैसे वो छोर पर आ गया सडनली सॉ जीसस पत्रस ने यीशु मसीह को देखा जीसस वाज रेडी टू गिम ब्रेकफास्ट और ये मसीह तैयार थे उसको भोजन खिलाने के लिए Then Jesus told him where to cast the net. और उसके बाद ये मसीह ने पत्रस से कहा कि कहा जाल को बिछाना है पीठ से पत्रस ने क्या कहा सिंगल फ हमने पूरे रात्रि परिश्रम किया मेहनत किया लेकिन हम एक भी मछली को नहीं पकड़ पाए tried everywhere. हर जगह हमने मेहनत किया बट लेकिन प्रभु आपके कहने

पत्रस ही एक मात्र मनुष्य था जो उस तूफान के लहरों के ऊपर वो चला नंबर फोर ही हैड अ स्पिरिचुअल इनसाइट उसके अंदर एक आत्मिक एक प्रकाशन था टू द क्वेश्चन हुम डू जीसस asked the question क्वेश्चन हुम डू यू थिंक आई एम क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं पीटर वॉज द फर्स्ट टू स्पीक पत्रस ने सबसे पहले उत्तर दिया बाउ आर द क्राइस्ट

वो समय जब आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है उस समय वो असफल हो जाता है यू नीड टू बी बी वॉचफुल फ्रेंड और इसलिए मेरे मित्रों आपको बहुत सचेत रहना है एंड द पॉइंट इज वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम और फिर हम दूसरी बात पर आते हैं कि उसका समस्या क्या था देर बेसिकली थ्री प्रॉब्लम और हम देखते हैं कि तीन ऐसे समस्याएं थे और हम सब अपने आप को पत्रस में देख सकते हैं वी डो नो आवर सेल्फ क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं एंड लाइक पीटर इेक ग्रेट क्राइसिस इन आवर लाइफ इन ऑर्डर टू डिस्कवर मैन इन साइड ऑफ आर और पत्रस की तरह एक ऐसे समय आएगा कोई ऐसा घटना आएगा एक महत्वपूर्ण समय आएगा कि यह हम प्रकट हो जाएंगे सो वट आर द्री थिंग्स बातें क्या है सब कुछ दे दिया एक्सेप्ट हिस्स सेल्फ लेकिन अपने स्वयं को नहीं दिया बिकॉज वंस वॉज गोइंट टू मिनिस्टर टू हिम बाई वॉशिंग इज फिट ही से बी फारो जीस वेलिंग दम आई एम सॉरी शाड आई स्टार्ट देंटेंस अगेन ओके प्लीज मेक श्योर दैट यू कट इट ई गेव अप एवरी थिंग बट सेल्फ पथरस ने सब कुछ त्याग दिया लेकिन अपने स्वयं को नहीं त्यागा यू नो ही कुड नॉट एक्सेप्ट गॉड्स विल कंसर्निंग द सफरिंग ऑफ जीसस क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो था यीशु मसीह का दुख उठाने के लिए

प्रभु ऐसा कभी नहीं होगा नो सेल्फ दैट इज सेल्फ विल ये स्वयं का वो इच्छा दिखा He रहा couldn't है। कंसेंट टू क्राइस्ट डेथ वो इस बात को मान नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह मर जाएगा यू शैल नेवर द सेकेंड ओकेजन इज Jesus, you remember, washed all the disciples' feet. और दूसरे समय हम इस बात को देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव को धो रहे थे। And uh, When he came to Peter, और जब ये मसी पत्र के पास आई डी से पत्रस ने no, no, क्या कहावर वॉश माई फीट नहीं स्वामी आप मेरे पाओ को नहीं धोएंगे फर्स्ट ही कुड नॉट कंसेंट दीस क्राइस्ट फॉर हिस हमने देखा सबसे पहली बात पत्रस इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहा था की ये मसीह मरेंगे उनके मुक्ति के लिए एंड सेकेंड टाइम और दूसरी बात ही कुड नॉट कंसेंट क्राइस्ट मिनिस्ट्री टू हिम वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह का जो सेवकाई था चेलो के ऊपर जॉन चैप्टर थर्टीन वर्स टू सेवन यो समाचार तेरा अध्याय छत पद सो द सेकेंड थिंग इज सो दूसरी बात ये नॉट ओनली है ना सिर्फ उसके अंदर स्वयं इच्छा था यू ऑल्सो वेल्फ सीकिंग वो अपने आप को खोज रहा था इन मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27 मत्ती उसका 19 अध्याय हम देखते हैं उत्तर दिया कि हमने सब कुछ त्याग दिया है तुम्हारे पीछे चलने के लिए What then देन विल be बी फॉर तो फिर हमारे लिए क्या है There is a the selfishness behind एवरी वी डू यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे एक स्वार्थपनोइंग्राइस्ट जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे तब रियलाइज हम इस बात को एहसास नहीं करते totally हम बिल्कुल uh, स्वार्थी है, हम क्यों के पीछे चलते है? हम नरक से डरते हैं और वी लव हेवन या फिर हम स्वर्ग से प्रेम करते हैं। और अनंत जीवन हमें चाहिए एंड वी And healings, और हमें चंगाई चाहिए, and God और परमेश्वर सब कुछ मेरे ऊपर है प्रभु मुझे आशीष दे मुझे आशीष दे इवन इन चर्च गोइंग और हमारे कलीसिया में जाने भी चर्च इज रेड्यूस टू ब्लेस मी लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड क्लब और कलिस या बस इतना ही रह गया है कि प्रभु हम आते हैं प्रभु मुझे आशीष दे मुझे आशीष दे ऑलवेज और हमेशा याद रखे सेल्फ एंड सेल्फिशनेस विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय स्वयं और स्वार्थीपन हमेशा अंत में हमारा नाश करेगा एवरीथिंग मस्ट बी फॉर द ग्लोरी And honor of the Lord Jesus Christ याद रखें हर एक बात जो है परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर के आदर के लिए होना चाहिए We seek our comfort. हम अपने ही तसल्ली को चाहते But हैं। how about the name of the Lord? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का क्या मेड होली इन आवर लाइफ वो नाम जो है क्या वो नाम हमारे जीवन में पवित्र है सो डोंट बी लाइक peter सो so, इसलिए हम पतरस के समान ना बने our purpose should नॉट बी what विल वी गेट हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा थ्रू अस ही मस्ट गेट एंड रिसीव ऑल द ऑनर एंड फेम एंड नेम एंड everything लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सारी आदर और महिमा और नाम मिलने पाए रिमेम्बर जॉन द बैप्टिस्ट प्रेयर यमुना बपतिस्मा देने वाले के प्रार्थना को याद करें ही मस्ट इंक्रीज प्रभु को बढ़ना चाहिए आई मस्ट डिक मुझे घटना चाहिए दैट शुड बी अवर एटीट्यूड और यही हमारा स्वभाव होना And thirdly, चाहिए। thirdly, और तीसरी बात द थर्ड बिग प्रॉब्लम वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा बड़ा समस्या यही था कि स्वयं जो जो हियाब है uh, he said, उसने कहा दो ऑल विल दी चाहे सब आपको तिरस्कार कर दे नॉट आई लेकिन मैं नहीं दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग हु ही रियली वॉ और ये सिर्फ ऐसे ही बोलना बिना समझे कि वो वास्तव में है क्या एंड ड्यू टू हिज सेल्फ विल और अपने स्वयं इच्छा के अनुसार एंड सेल्फ सीकिंग और स्वयं खोजने के अनुसार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वयं ही आप के अनुसार ही सफर्ड अब फॉल पत्र एक भयंकर रीति से गिर गया एंड इट टूक फॉर हिम टू लर्न अ बिग लेसन लेकिन ये बहुत जरूरी था ताकि वो एक बड़े पार्ट को सीखे वी स्टैंड ओनली एंड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर हम खड़े हैं तो वो <laughs> सिर्फ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार पॉल सेड पॉलस ने कहा ही हु थिंक्स ही स्टैंड्स टेक हीड Lest he fall. जो सोचता है कि वो खड़ा है अपने ही बल से सचेत रहे आ, ऐसे ना हो कि वो गिर जाए फॉल ऑल्सो सेट कंसर्नसेल फॉलो ने अपने विषय में यह भी कहा आई एम वॉट आई एम ओनली by the grace of god मैं जो हूं सो हूं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से and peter learn this wonderful lesson और पतरस ने ये अद्भुत पाठ को सीखा and he stood by the grace of god the rest of his life और अपने बाकी के जीवन भर वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो खड़ा रहा and he suffered martyrdom और अंत में वो शहीद होकर मर गया how कैसे by crucifixion क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा

We are saved by grace, my dear friends. Mere mitro, hum se hi and the same grace will पास और वही अनुग्रह हमें रखेगा रखवाला करेगा हमें गिरने से बचाएगा remember, लेकिन हमेशा याद रखे सोली बाई ग्रे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है द सेम ग्रेस इज अ सेविंग ग्रेस और वही अनुग्रह जो बचाने वाला अनुग्रह है इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रेस सुरक्षित रखने वाला अनुग्रह प्रोवाइडिंग ग्रे उपाय करने वाला अनुग्रह है कीपिंग ग्रेस और रखवाली करने

Because His grace is sufficient. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। you from falling. वो आपको गिरने से बचा Trust Him. उस पर भरोसा करें ओ डी डीसस पिता We thank you for your wonderful grace. हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के saving Keeping, enabling grace. वो बचाने वाला और सुरक्षित रखने वाला अनुग्रह डोसू लिंग टू दिसन दिस और morning, जिन लोगों ने आज की सुबह इस मनन को सुना Let है, them find this grace sufficient for their own victory ये अनुग्रह उनके लिए काफी होने पाए उनके विजय के लिए ब्लेस्ड है उन्हें आशीषित अपॉन देम और आपके आशीष उनके ऊपर होने पाए इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से माय फ्रेंड और मेरे मित्रों एक अच्छा दिन बीतने पाए लुई आमे